क्या करना है, भोग करने के लिए भी पुण्य चाहिए। अगर पुण्य नहीं होगा, मिल तो गई है पर रसगुल्ला आप कहाँ मुख में डाल नहीं सकते। क्यों? जे हाटा 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 क्या है, अभी क्या हो जाएगा, अटैक आ जाएगा महाराज, देखने ही से, बिल्कुल देखने ही से आ जाएगा। रसगुल्ले मिठाई आदि ग्रहण नहीं कर सकती। सुख के सामग्री मिल गई है पर भोगने के लिए पुण्य चाहिए, पुण्य। ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं, कूलर एसी मिल गई पर अगर लाइट नहीं है तो सारे डिब्बे हो गए, भोग नहीं सकते, अंतराय कर्म आ गया, ये आचार्य महाराज कहने वाले हैं। तो ऐसी भोगी सामग्री सब कुछ मिल गई है, सब कुछ है, पर अगर अंतराय काम सामने है तो भोगने के लिए नहीं, संकलेशित होंगे। कब से हम सोच रहे हैं दीपावली आएगी, इमरती खाएंगे, क्या करेंगे, अभी तो दवाई की पुड़िया खाना है, इमरती तो बाद में मिलेगी। अभी तो 12 टेबलेट रख ली हैं और 12 12 तीन टाइम में नाश्ता के रूप में इनको लेना है और सब व्यंजनों से दूर रहना है। क्यों दूर क्यों रहना है, देखने से उदीर्णा होती है, खाने का भाव होता है, चोरी से भी तो कुछ खा लेते होंगे ना, देख नहीं पाए, कब डाल देते पता ही नहीं पड़ता, ऐसी स्थिति। तो आचार्य कहते हैं उस पुण्य की जैसी वृद्धि होगी तुम स्वर्गों में जाके उत्पन्न होगे, वहां सारी फैसिलिटीजी, कोई दिक्कत की काम नहीं, यहाँ तो फिर भी एक देवी मिलना कठिन है, वहां तो कम से कम एक देव की 32 मिलेंगी, कितनी, कम से कम 32 और अधिक से अधिक जितनी चाहो, जितना पुण्य होगा उतनी मिल जाएंगी। और वह भी विक्रिया से अनेक रूप धारण कर लेती, जितना रूप बनाना उतने रूप धारण कर ले, ऐसे पुण्य बढ़ना है यहाँ धर्म के फल स्वरूप। और भी क्या है, और भी सारी व्यवस्था है, वहाँ बच्चे नहीं, बच्चों की कोई परेशानी, आपको बच्चों से बहुत परेशानी होती कि नहीं, तो बच्चे वहाँ नहीं होते, देव और देवियाँ ही होती हैं, वहाँ कोई बच्चों की सुविधा, वहाँ कोई रिश्तेदार, रिश्तेदार भी आपको परेशान करते ना, यहाँ बार बार मोबाइल लगाते हैं, उनके यहाँ आना जाना पड़ता है त्यौहार में, तेरहवीं आदि में, तो देवों के कोई रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं होते। तो ऐसी सारी वहाँ फैसिलिटीज उस पुण्य के योग से सारी देवों को मिलती है। पलक झपकने मात्र से योजनों चले जाते, पलक झपने मात्र से योजनों कब पहुँच जाएंगे कोई पता नहीं। तो ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं उस पुण्य की अगर तुम्हें वृद्धि करना है तो उस धर्म को करना होगा, और उस धर्म के फलस्वरूप क्या होगा, और अगर तुमने धर्म की मात्रा बढ़ा दी तो क्या होगा, फिर तो स्वर्ग में जाके भोग भोग के मनुष्यों में जन्म लेके फिर तो तुम सिद्धालय में ही पहुंच जाओगी, फिर तो आपको उस अपूर्व सुख की प्राप्ति होना है। कैसा सुख होता है सिद्धों में, तीनों लोकों का सुख, तीनों कालों का सुख, समस्त जीवों को अभी सुख मिला लो, फिर भी एक क्षण में जो सिद्धों को सुख होता है वह किसी भी जीव को हो नहीं सकता, ऐसा सिद्धों में वह अव्याबाद नाम का सुख होता है। तो इसलिए आचार्य महाराज कहने वाले हैं तुम अगर सुख का अनुभव कर रहे हो तो तुम्हें धर्म ही करना चाहिए, इन विषय पापों में अपने मन को मत लगाओ, जितना यथा योग आप के लिए आवश्यक है जीवन यापन के लिए उतना आप जीवन यापन करते चले जाओ, बाकी जितना आपको सुबह से शाम आदि जो समय मिल रहा है वो धर्म में आप लगाते चले जाओ, फिर आप देखना कि उस धर्म के फलस्वरूप आपको कैसा सुख मिलता है, उस सुख की कल्पना अभी नहीं की जा सकती है। साक्षात आपको समोषण में जाने मिलेगा, जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोषण लगा है वहाँ आप शांति से बैठ के अच्छे से उनकी वाणी का पान कर सकते, भगवान से पूछ सकते, भगवान हम कैसे प्रसाद करें जिससे हम इस संसार के दुखा संसार के दुखों से जल्दी छूट जाए, हमारी जल्दी मुक्ति हो जाए, हमारे कितने भाव शेष हैं और कब हमारी मुक्ति होगी, तो साक्षात भगवान वहाँ बता देंगे।
हम कैसा प्रसाद करें? तो ऐसे साक्षात भगवान का वहां दर्शन होगा। कैसा दर्शन, कैसा वह समोषण होगा, जहां अनेक केवली होंगे, जहां गणधर परमेष्ठी होंगे, जहां मुनिराज होंगे, आर्काएं आदि सब कुछ वहां अच्छा अच्छा ही मिलेगा। वहां की विशुद्धि का तो कहना ही क्या, कैसी वहां विशुद्धि बढ़ती होगी। जब अपन को मिलेगा तब अपन अनुभव करेंगे, वैसे तो होके आगे होंगे, पर ऐसी भावना बनाए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं उस धर्म को अंगीकार करो, जितना भी शाम से सुबह बनता है, अभिषेक है, पूजन है, माला फेरना, ये सब धर्म है ना, और क्या है, स्तुति करना, स्वाध्याय करना, तप करना, आहार दान देना, और भी क्या है, और भी बहुत से काम है। जितना आपको अनुकूलता मिलती है, समय मिलता है, आप धर्म में अपना मन लगाते चले जाएं, तो बस आप समझ लो आप सुखी बनते चले जाएंगे। अब नरकों की तो कोई बात ही नहीं, अगर जो प्राणी धर्मों में लगा है, धर्म कार्य निरंतर कर रहा है, उसको नरकों की तो कोई बात नहीं, उनको तो कहाँ वैमानिक देवों में ही जन्म लेना है। तो ऐसे आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि अपने आप को इन साधनों से घटाओ, जिन साधनों से पाप का संचय होता है, ऐसे हमारे परिणाम बनते उन साधनों के बीच में रहने से, उनका उपयोग करने से। इसलिए आचार्य बार बार यही कहते, ऐसे साधनों से निरंतर बचते चले जाओ, जितनी भी अनुकूलता बन रही है अपना मन धर्म में लगाते चले जाओ, फिर आप देखना कि इस धर्म का क्या चमत्कार होगा। भाई चमत्कार तो अभी आप देख रहे हैं ना, अगर धर्म नहीं किया होता, सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धा नहीं होता, तो यहाँ आने वाली नहीं थी। आने जिनने जीवन में धर्म नहीं किया, धर्म को भाई कुछ नहीं समझते हैं, धर्म पर श्रद्धा नहीं है, उनके कभी आने के भाव बनते नहीं। वह तो सैकड़ों प्रकार के बहाने कहते, भैया हमें तो ये परेशानी है, हमें तो वो परेशानी है, हमें तो फलाना काम है, हमें तो ये काम है। इस तरह की वह अपने आप को व्यर्थ बातें करते हैं। पर आचार्य महाराज कहते, पूर्व पर्याय में धर्म के फलस्वरूप मिल तो गया, पर अब ये निश्चित कर लो कि धर्म नहीं कर रहे तो अब मिलने वाला नहीं है। अब क्या मिलने वाला है, तो बुरा ना मानो होली है। क्या होगा बुरा ना मान लो, बस तुम्हें नरके में ही जाना पड़ेगा, और वहां कोई सुख की सामग्री तुम्हें मिलने वाली नहीं है। बस क्या होगा, रात दिन बस मारधाड़ ही चलना है। वहां लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की फिटिंग, ना लाइट की फिटिंग है, ना लाइट का करंट है। लाइट विभाग ने वहां लाइट नहीं पहुंचाई है, क्यों नहीं पहुंचाई वो तो वही बताएंगे, क्यों नहीं पहुंचाई, वहां कोई सामग्री सुख की नहीं है। पर लाइट तो स्वर्गों में भी नहीं है महाराज, वहां भी नहीं पहुंचाई, पर वहां लाइट की कोई जरूरत नहीं, ना स्वर्गों में गर्मी है, ना सर्दी है, ना वहां बारिश है, कुछ होते ही नहीं, ना सर्दी का दुख है, ना गर्मी का दुख है, ना बारिश का दुख है, ना आपको छाता लगाना, ना आपको रेनकोट पहनना, ना आपको जर्किन पहनना, ना साल ओढ़ना, कोई आपको समस्या नहीं है। आपको तो नए नए वस्त्र वहां मिलेंगे, जो आपको यहाँ देखने के लिए भी नहीं मिल सकते, जो आभूषण आपने जीवन में कभी देखे नहीं होंगे, ऐसी सुख की भरपूर सामग्री उन स्वर्गों में मिलती है। तो आचार्य महाराज यही कहने वाले हैं कि बस इस धर्म करना प्रारंभ कर दो, जितना आप कर रहे हो उसमें और वृद्धि और वृद्धि, जितना समय मिलता है करते चले जाओ। धर्म महाराज किसी कहते हैं, धर्म तो आप समझा दो, तो धर्म उसी कहते हैं, परिणामों में जहां विशुद्धि है उसी का नाम धर्म है। अगर आप घर में बैठे भी परिणामों की विशुद्धि बनी हुई है, संकलेश नहीं है, कसाय आदि की मंदता है, तो धर्म ही हो रहा, चाहे आप रोटी बनाएं, चाहे आप झाड़ू लगाएं, और चाहे कुछ भी करें, आपका भाव है कि हमारे द्वारा किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो, तो धर्म ही हो रहा है।
तो आप मंदिर में रह के भी धर्म कर सकते हैं और घर में रह के भी धर्म कर सकते हैं, और अगर परिणाम अच्छी नहीं है तो घर में रह के भी धर्म नहीं हो पाएगा और मंदिर में रह के भी धर्म नहीं हो पाएगा। महाराज फलाने व्यक्ति हमें परेशान करते हैं, ये कष्ट देते हैं, देते हैं, अपने कर्म के बारे में विचार करो ना, क्या है विपाको अनुभवा, कर्म के कारण फल मिल रहा है, कर्म है, पूर्व में कर्म किया था, भोगना पड़ा, भोगना ही पड़ेगा ना, जब तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो हम आप कौन लूलते ना। तो इसलिए आचार्य महाराज यही कहने वाले हैं कि धर्म को करना होगा तो भाई असाता कर्म भी कट जाएगा, सामने वाले जो तुम्हें कष्ट परेशानी दे रहे वह तुम्हारी दूर हो जाएगी, और अगर धर्म नहीं करोगे तो फिर वह असाता बंद होगी, फिर कष्ट होगा। श्री परिणामों का नाम ही धर्म है, परिणाम में जहाँ अच्छी है, संकलेश नहीं है, कसाई की जहाँ मंदता है, विषयों के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है, तो उसे यहाँ हमारा धर्म ही चल रहा है। कहीं भी बैठे हों फिर तो अब त्रेंच तो धर्म ही नहीं कर पाए, क्यों, उन्हें तो मंदिर जाना निषेध ही है ना, फिर तो धर्म ही नहीं हो पाएगा। भाई भी पंचम गुणस्तन धारी होते हैं, पर धर्म हर जगह हो सकता है, जहाँ हम चाहें वहाँ धर्म हो सकता है, प्रसाद करने की आवश्यकता है तो सब कुछ हो सकता है, कर्म के उदय में ही सब कुछ होता है, ऐसा नियम नहीं बनाए, कर्म अपना प्रभाव दिखाए नियम नहीं, हम अपने प्रसाद के माध्यम से उस कर्मों को परिवर्तन कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमें पाप कर्म का उदय है तो हमें भोगना ही पड़ेगा, ये कोई नियम नहीं है, हम उस पाप को भी पुण्य रूप में बदल सकते हैं और पुण्य को पाप रूप में भी बदल सकते हैं। इसलिए आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मानुशासन में यही कहना चाह रहे हैं कि सुख के साधन तुम्हें मिले हैं, सुख की सामग्री तुम्हें मिली है, पुण्य का योग है, तो उसमें फूलो मत, गर्व मत करो, उसमें जितना धर्म ध्यान तुम कर सकती हो तो उन भोगों में लिप्त नहीं होके उन भरत चक्रवर्ती को याद करो जिन्हें भरपूर सुख की सामग्री थी पर वह कभी उनमें लिप्त नहीं होती थी, प्रतिदिन पड़घान करते थे, कहाँ प्रतिदिन, महाराज 84 खंड की हवेली होती है, चक्रवर्ती का महल कैसा होता है, 84 खंड, आपके भोपाल में बनी है का मल्टी वगैरह बनी नहीं, देखी आपने, अभी 17-18 में तो आपकी टोपी गिर जाएगी नीचे, 84 खंड का उनका महल होता है, स्पेशल कारीगर होते बनाने वाले, और 365 रसोइया होते हैं, एक दिन का एक ही रसोइया दूसरे दिन बनाने वाला काम नहीं, रिजेक्ट, 365 वैद होते हैं एक दिन का एक देखने वाला, 3 करोड़ तो हंडे होते हैं भोजन पकाने के लिए, 3 करोड़ कितने, 3 करोड़, और 18 लाख घोड़े हाथी, ये 84 ये तो सब है ही, और 96,000 क्या है, 96,000 रानियां होती हैं, अब तो एक ही रानियां मिलना कठिन है, वहां 96,000 होती, क्या कहलाती 96,000, पर 96,000 होते हुए उनके अनुशासन में रहने वाली होती हैं, ऐसा नहीं कि एक यहाँ भाग रही एक वहां भाग रही, उनका अनुशासन जहाँ चक्रवर्ती का हुक्म, उस हुक्म के अनुसार काम उस रानी, चाहे रानी हो वो चाहे पटरानी हो, अनुशासन तो अनुशासन, धर्म ध्यान साथ में करती हैं, अष्टमी 14 को उपास पूर्वक रानियां भी बैठती हैं और चक्रवर्ती भी मंदिर में बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं, और वह भी सफेद साड़ी में बैठ जाती हैं, वह भी उन्हीं के साथ धर्म ध्यान करती हैं, ऐसी स्थिति होती है, पाप के लिए सब सम्मिलित हैं और धर्म के लिए सब अलग अलग हैं, ऐसी स्थितियां नहीं है। तो इसलिए समय आपका हो रहा है, ज़्यादा आपको नहीं सुनाना है क्योंकि आपको भागना भी है और सारे बहुत सारे काम है, बनाना भी है, खाना भी है, और भी साफ सफाई करना है, पर हम तो यही कहेंगे जो साफ सफाई है पर इन कर्मों को साफ कैसे करना है ये भी विचार करने के दिन हैं, आप बाकी साफ सफाई तो रोज होती रहेगी, बाद में भी होती रहेगी,
पर इन कर्मों की सफाई कैसे होगी जिससे हम इस संसार से मुक्त होंगे, ये विचार करने की ये दिन चल रहे हैं। आप तो सब अप टू डेट बनाने में लगे हैं, कोई पुट्टी लगा रहा है, कोई कलर लगा रहा है, कोई टाइल्स, कोई मार्बल, कोई कुछ, सब अप टू डेट मॉडिफिकेशन सब चल रहे हैं, पर अपना मॉडिफिकेशन कैसे क्या होगा ये विचार करने के सारे दिन हैं। इसलिए हम तो यही आपसे कहेंगे कि आचार्य गुणभद्र महाराज का व आत्मानुशासन का श्लोक याद रखें कि अगर हम सुख का अनुभव कर रहे हैं और दुख का अनुभव, तो दोनों अवस्था में हमें धर्म ही करना है, धर्म की वृद्धि ही करना है, तो हमारा वह सुख वृद्धिगत प्राप्त होगा और दुख भी हमारा छूट जाएगा और हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी बनना जाएंगे। यही सारे उपाय आचार्य ने हम आपके लिए बताए हैं, कर लेंगे तो अच्छा रहेगा और नहीं करेंगे तो वह बुरा ना मानो होली है, फिर तो वहाँ जाना ही है और वहाँ छुटकारे की कोई बात नहीं, वहाँ तो रात और दिन का कोई भेद नहीं, पानी भी तलवार का काम करेगा, नदी में भी कीड़े मकोड़े रहेंगे, तलवार का काम नदी करेगी, वृक्ष भी तलवार का काम करेंगे, सारी सामग्री नरकों में प्रतिकूल ही रहेगी। इस तरह आप इस कष्ट में ना होएं। अब उठते उठते अब प्रवचन होगा कि नहीं होंगे, क्या होगा, अब तो दीपावली के बाद कार्यक्रम आगे का निश्चित है, वहाँ जाना है, फिर यहाँ आना होगा कि नहीं होगा, कैसा क्या होगा आगे की कोई पता नहीं, आचार्य महाराज के जैसे संकेत होंगे उस संकेत के अनुसार काम होगा। बस इतने ही संक्षेप सारे में, अपने आगामी जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो इन पापों से निवृत्ति नित्य घटाते चले जाओ और इस पापों के बारे में विचार करते जाओ, जो हम पाप कर रहे हैं इसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत भोग नहीं सकती और उसका पुण्य भी हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए इस मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म लिया है, अच्छे अच्छे कार्य करते चले जाओ, दुनिया को मत देखो कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया को जो करना सो करने दो, अपन को तो अच्छा सोचना अच्छा करना है, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।